अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह करम से दोस्तों हम सब भी ठीक हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक के वीडियो में बने रहिएगा। आज का मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं बाहर निकल के आई तो यहाँ पर एक बटर फ्रूट मिला। ये सृजन तो नहीं है दोस्तों बटर फ्रूट का, पर ये हम कहीं पे लगा हुआ था, एक बच गया था। तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो यह हवा की वजह से गिर गया है। ये पत्थर पे गिरा है तो ये फूट गया है, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों पका हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हवा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ दोस्तों आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर पान का पत्ता भी है। बादल दोस्तों अच्छे से काला हो गया है, आप देख सकते हैं बारिश भी हल्का हल्का पड़ने लगा है। तो दोस्तों ये जो मैं बटर फ्रूट लाई थी इसका मैं मिल्क शेक बनाऊंगी, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे दोस्तों कट करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऐसे ही फूटा हुआ है। तो इसे हम दो भाग में कर लेते हैं। ये बटर फ्रूट का दोस्तों बीज है, अगर ये बीज लगाएंगे ना तो पेड़ आ जाएगा, इसमें कल्ला भी निकल गया है। तो इसके हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। इसका दोस्तों हम ये जो अंदर है छिलटा इसे हम निकाल लेते हैं, अगूधे को मिक्सी जार में रख लेते हैं। तो दोस्तों जितना चाहिए मैं उतना बटर फ्रूट ले ली हूँ। मीठे के हिसाब से एक कप शक्कर डाल देती हूँ। इसी कप से हम तीन कप दूध डाल देते हैं। तो दोस्तों मैं तीन कप दूध डाल दी हूँ। यहाँ पे दो इलायची ले ली हूँ, इलायची का छिलटा नहीं डालेंगे, बीज को सिर्फ डालेंगे। ऐसे दोस्तों हम बारीक पीस लेंगे, ये उबला हुआ दूध नहीं है, कच्चा दूध है ये। ऐसे दोस्तों मैं बारीक पीस लेती हूँ। तो इसे दोस्तों मैं बारीक पीस ली हूँ, नाश्ता करने के लिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह दोस्तों मैं सिंपल तरीके से बटर फ्रूट मिल्क शेक बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए दोस्तों आप सभी भी पी लीजिएगा। चलिए दोस्तों बच्चों को भी देते हैं। तो दोस्तों बच्चों को भी दे दी हूँ, पी लिए हम, मैं भी पी ली हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साबिर है, तो ये बिना बिल्ली को खिलाए तो ये पिएगा ही नहीं। तो दोस्तों ये कितना भी डांटो फिर भी नहीं सुनता है, ये उसी में अपना भी खाता है और बिल्ली को भी खिलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बिल्ली इसके प्लेट में आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक के वीडियो में बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैनल पे नए हैं, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, तो लास्ट तक के वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं गैस को कर देती हूँ चालू। मैं आज बनाऊँगी जीरा राइस। तो कुकर में दोस्तों मैं तेल डाल दी हूँ, आप यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हैं, मैं तेल में बनाऊँगी। तो ये दो चम्मच के करीब मैं तेल डाल दी हूँ, खड़े मसाले डाल लेती हूँ, आधा चम्मच जीरा, चार लौंग है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तीन से चार काली मिर्च है। इन सभी मसाले को हल्का लाल कर लेना है। तो इसमें हम धुले हुए चावल डाल देते हैं। तो दोस्तों चावल को मैं डाल दी हूँ, इसी गिलास से मैं ढाई गिलास पानी डाल देती हूँ।
ढाई गिलास दोस्तों मैं पानी डाल दी हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ। नमक ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। हाँ दोस्तों, करंट आ रहा है जा रहा है तो इसे मैं चावल को हल्का चला देती हूँ ताकि नीचे पकड़े ना। कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगा के हम 3 सीटी दिला लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहली सीटी आ गई है, इसी तरह हम 2 सीटी और दिला लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 सीटी हो गया, हवा को रहने देते हैं। कुकर को उठा के हम साइड में रख देंगे, थोड़ा भी पका नहीं रहेगा तो चावल दम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों रात का बचा हुआ दाल है, तो रात का बचा हुआ दाल दोस्तों बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो जब बच जाता है तो मैं दाल में इसीलिए इस तरह तड़का लगाती हूँ। एकदम दोस्तों फ्राई दाल, होटल जैसा फ्राई दाल बनता है, इतना टेस्टी लगता है। तो गैस चालू करके कुकर रख दी हूँ, कुकर नहीं दोस्तों कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें मैं तेल डाल दी हूँ, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 3 सूखे लाल मिर्च डाल दी हूँ, डंठल में नहीं तोड़ी हूँ। डंठल सुधा दोस्तों खाने में मज़ा आता है तो इसलिए मैं डंठल नहीं तोड़ी हूँ। तो दोस्तों प्याज हो गया है लाल, तो आप यहाँ पे दोस्तों एक टमाटर भी बारीक कटा हुआ यूज कर सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ, दाल में पहले से है टमाटर। तो प्याज लाल हो गया है तो गैस को बंद कर देते हैं। 4 कड़ी पत्ता डाल देते हैं, कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। 2 चुटकी इसमें हींग डाल देते हैं, अगर दोस्तों मटर दाल है तो हींग जरूर डालिएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, ये तीखा नहीं रहता, कलर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों तड़का तैयार हो गया है, ये दाल को मैं दोस्तों अच्छे से पका ली हूँ, तो दाल में हम तड़का लगा देंगे। तो दोस्तों इसे मैं चला देती हूँ, आप देख सकते हैं। कोई कहेगा कि ये रात का बचा हुआ दाल है, तो दोस्तों इस तरह फ्राई दाल, या फ्राई दाल बोलिए या तड़का दाल बोलिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल देती हूँ। घर में जब दोस्तों दाल बच जाए तो इस तरह तड़का लगा के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों बारीक कटा हरा धनिया में डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। इधर मैं चावल को भी चेक कर लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत हवा था तो उसे मैं निकाल दी हूँ और ढक्कन को हटा दी हूँ। चावल को मैं चला के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं एक एक चावल दोस्तों खिला खिला बना हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत टेस्टी बनता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों खाने को मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों मैं जीरा राइस को निकाल ली हूँ, साथ में ये फ्राई दाल है, तो दाल को भी दोस्तों निकाल ली हूँ। सलाद भी रख लेते हैं, प्याज टमाटर खीरा। तो लीजिए दोस्तों मैं आज बनाई हूँ जीरा राइस, उसके साथ में बचे हुए दाल तड़का है या दाल फ्राई बोलिए, साथ में सलाद है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह फ्राई दाल ज़रूर बना कर खाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। घर में जब दाल बच जाए तो फेंकिएगा नहीं, इसी तरह तड़का लगा के खाइएगा।